हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सबको पता है, अध्ययन एक इतिहास का जो आपका पहला चैप्टर जो है, भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन वंश, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो दे चुके हुए हैं आप सभी को, जो कि मौर्य काल से चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड आपका वो था, बिंदुसार से था और चक्रवर्ती सम्राट अशोक से था। इनके काल के बारे में मैंने आपको बताया था और इनसे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब अगर हम आगे बात करते हैं, जो कि आगे जो आपको मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आपके जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर टॉपिक की यहाँ पर हम बात करेंगे मेरे मित्रों, तो सबसे पहले बात करेंगे मौर्य शासकों की सूची से रिलेटेड। मौर्य शासकों की सूची में कौन कौन से शासक हैं, किन्होंने मतलब शासनकाल किया है, किन्होंने शासनकाल किया है, और उसके बाद कितने शासक आए हैं, उन्होंने कितने वर्षों तक उन्होंने शासनकाल किया है और कब से कब तक शासन किया, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो अगर हम पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। किसकी गद्दी पर बैठा था, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चीज़ें, मैंने आपको सब कुछ कल के दिन आपको मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ठीक है, वो मौर्य वंश की गद्दी पर कब बैठा था, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वो गद्दी पर कब बैठा था, ठीक है, तो कब बैठा था, तो 322 ईस्वी में बैठा था और उसका जो शासन काल था वो 298 तक था ईसा पूर्व, यानी उन्होंने शासन 25 वर्षों तक किया। बिंदुसार की अगर बात करते हैं, जो कि 298 से 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया, और इनके शासन की अगर हम बात करते हैं तो इनका शासन दोस्तों जब वो 25 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक मेरे भाई, 25 वर्षों तक चला था। आगे बात करते हैं सम्राट अशोक से रिलेटेड, जो कि सम्राट अशोक का जो शासनकाल है वो 273 से 232 ईसा पूर्व तक चला, यानी कि दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर तो इसका जो शासनकाल था वो 41 वर्षों का था, और सबसे अधिक शासन करने वाला यही है सम्राट अशोक, जिसको क्या कहते हैं, जिसका अगर पूरा नाम बोलते थे यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। कुणाल जो था वो 232 ईसा पूर्व से लेकर के 224 तक इन्होंने 8 वर्षों से शासनकाल किया था। दशरथ मौर्य ने 232 से 224 ईसा पूर्व तक 8 वर्षों तक इन्होंने भी किया था, और संप्रत जो थे वो 9 वर्षों तक शासनकाल किया था, मतलब 224 से लेकर के 215 तक, और उसके बाद शालिशुक जो थे वो 13 वर्षों तक इन्होंने शासनकाल किया था, यानी 215 से लेकर के 202 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासनकाल किया था। टोटल इनके शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 13 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पर देव बर्मन के बारे में, तो देव बर्मन जो थे तो 202 में आए और 1995 तक इन्होंने शासनकाल किया था। टोटल इनके इनका जो शासनकाल था वो 95,500 और 227, यानी कि टोटल यहाँ पर जो वर्ष थे उनके 7 वर्षों तक था। सतधनव्यन जो मौर्य थे वो 195 से लेकर के 187 ईसा पूर्व तक उन्होंने 8 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद बृहद्रथ मौर्य जो थे वो 187 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक उन्होंने 2 वर्षों तक मात्र शासनकाल किया था। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप नोट डाउन अपने कॉपी वगैरह में कर लेते हो, और पूरा नोट डाउन करने के बाद अगर आप इसके चारों तरफ ये चीज़ें लगा लेते हो ऐसे, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अपने आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अशोक की जो धम्म नीति, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और काफ़ी बार दोस्तों ये पूछा जाता है। अशोक के पितृत्व शासन का परिचय देते हुए लोक कल्याण को राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया है, धम्म नीति का प्रतिपादन भी इसी का एक प्रमुख भाग था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया, जिसमें लगभग 1,00,000 लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। इस भीषण नरसंहार को देख अशोक का मन द्रवित हो गया तथा उसने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म को अपनाने की घोषणा कर दी थी। यही अशोक की धम्म नीति थी, यानी कि समाज के सभी अंगों को एकता के सूत्र में बांधने तथा प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने आचार विचारों की एक संहिता प्रस्तुत की, जिसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। क्या कहा जाता है, धम्म, इसी को हम लोग अशोक के धम्म की नीति के नाम से जानते हैं। कौन कौन से इसके सिद्धांत थे, कौन कौन से इसके प्रमुख सिद्धांत थे, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सहिष्णुता जो था वो इसका पहला था, यानी इसके तीन टॉपिक थे। कौन कौन से तीन पॉइंट थे,
सात ग्यारह व बारहवें शिलालेख तथा दूसरे लघु शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है सही सूत्र का। दूसरा अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि व्यक्तियों विचारों धर्मों विश्वासों तथा भाषा संबंधी सहिष्णुता पर बल दिया गया। तीसरे अगर हम बात करते हैं गुरुओं का आदर माता पिता की सेवा दासों से उचित व्यवहार व वाक संयम को अपनाने पर जोर दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं इनके धम्म के बारे में अगर ऐसा अहिंसा के बारे में तो अहिंसा तो जो है वो इसका उल्लेख एक ग्यारहवें एक तथा ग्यारहवें शिला लेखों व पाँचवें स्तंभ लेख में मिलता है। दूसरा हो जाता है यहाँ पर युद्ध तथा अहिंसा के माध्यम से विजय प्राप्ति का विरोध भी होता है। तीसरा आपका हो जाता है जीव हत्या का निषेध। लोक कल्याण सी के अंतर्गत आता है सातवें स्तंभ लेख व दूसरे शिला लेख में उल्लेखित है और आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित कार्य। तीसरा आपका वृक्षारोपण सरायों सड़कों सिंचाई व साधनों व कुओं आदि का निर्माण इसमें सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आडंबरहीनता आ जाता है। आडंबरहीनता में भी पहला पॉइंट आ जाता है, इसका उल्लेख नवे शिलालेख में किया गया है। ठीक है, आडंबरहीनता का जो उल्लेख किया गया वो नवे शिलालेख में किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न अनुष्ठानों यज्ञ आदि का निषेध जो है वो किया गया है। दूसरे स्तंभ में अभिलेख के अनुसार धम्म की परिभाषा यहाँ पर आती है आपके अपासिनवे बहुकायते दयादान्य सचे सोचते माधवे साधवे च, ये कहा गया है। इसका मतलब यह है कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया दान सत्य पवित्रता तथा मृदुता का अवलंबन करे, ये इसका है। उसके बाद धम्म की नीति का क्रियान्वयन जो है आपके छः पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपका ये पूछता है तो अगर आप इनमें से चार पॉइंट लिखते हो तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो पहले की बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपको याद रखने चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो आपको याद रखना चाहिए अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग किया। दूसरा आपको ये तीसरा नंबर पॉइंट याद रखना चाहिए सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए गए। तीसरा आपको ये याद रखना चाहिए हिंसा पर प्रतिबंधन तथा पशु बलि का निषेध किया गया। और आपको छठा नंबर पॉइंट यहाँ पर याद रखना चाहिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति। पांचवा और दूसरा नंबर अगर पॉइंट आप भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चार पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इनको याद करना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन क्या था। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, प्रांतीय प्रशासन क्या था, प्रांतीय प्रशासन कौन कौन से थे, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रांतीय प्रशासन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रांतीय प्रशासन यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए चार प्रांतों में विभाजित कर दिया था। वो चार प्रांत कौन कौन से हैं आपको दिख रहे होंगे और आपको बता भी होगा, ठीक है, और जिसे चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था और सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, प्रांत और कौन कौन से आपके प्रांत सामने आपके दिख रहे होंगे, प्रांत उसकी राजधानी दिख रही होगी। पहला प्रांत जो प्राची जो कि मध्य प्रदेश में, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरापथ जो था वो तक्षशिला, इसकी राजधानी बनी। दक्षिणापथ की सर्व सुवर्णगिरी बनी। उसके बाद अवंती राष्ट्र का उज्जैनी और कलिंग का तोसली, ये इनके 5 प्रांत थे और उनकी राजधानियां भी थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रांतों के चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार आर्य पुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आती है कि कुमार भाष्य जो था उसकी सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे और शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग तत्पश्चात प्रांत आहार विषय में विभक्त था और ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था और 100 ग्राम के समूह को संग्रहण की कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संग्रहण कहा जाता था। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि मौर्य काल में नगर शासन के बारे में, तो नगर शासन भी आप लोग इसका देखिए, इसके PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल डिस्कशन रख दीजिए, इसके PDF आप टेलीग्राम पर मिल जाएगी आप सभी को। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा ये भी आता है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य का पतन, ये आपने यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कि मौर्य प्रांत का पतन जो है ये अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मौर्य प्रांत का जो पतन हुआ था यानी मौर्य साम्राज्य की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व थी। ठीक है, मानी जाती
और इसके उपरांत लगभग 2 सदियों यानी 322 और 184 ईसा पूर्व में से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी और इससे मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। तो आखिरी शासक की यहाँ पर बात की गई जो जिसका नाम था बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, बृहद्रथ मौर्य था। तो बृहद्रथ मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो बृहद्रथ मौर्य जो था उसका शासन सिर्फ और सिर्फ कितने वर्षों तक चला था, 2 वर्षों तक चला था, ठीक है। कब से कब तक था, तो इसका शासन जो था वो 187 से 185 तक चला था इसका शासन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनका सेनापति जो था पुष्पमित्र शुंग ने इनकी हत्या कर दी और यहीं से इसका जो मौर्य साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य में टोटल कितने शासक आए, तो मौर्य साम्राज्य में अगर पूछा जाता है तो टोटल 10 शासक थे। पहला शासक कौन था अगर पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य था। आखिरी शासक कौन था अगर पूछ लिया जाता है आपसे तो आप बृहद्रथ मौर्य था। इनका शासनकाल कब तक था, कितने दिन तक था, तो 2 वर्ष, 187 से 185, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद पतन के कारण क्या थे, तो पतन के कारण भी आपको पता होना चाहिए। पतन के कारण ये थे, अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी बना था, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं भी थी, प्रांतीय शासकों के अत्याचार भी थी, करों की अधिकता हो गई थी यानी कि उनके ऊपर कर ज़्यादा हो गया था। नेक्स्ट हमारा आता है गुप्त काल। अगर हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में अगर इनके शासकों का नाम ना आए तो बेकार। पहले शासक की बात करते हैं, सबसे पहला शासक जो था वो श्रीगुप्त था, जिसका 275 से 200 सॉरी 300 तक शासनकाल चला था। उसके बाद यहाँ पर घटोत्कच जो गुप्त था दूसरा शासक, वो 280 से 319 तक चला था। चंद्रगुप्त का जो चला था, चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 320 से 335 तक चला था। उसके बाद समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 से 380 तक चला था और इसवी तक। उसके बाद रामगुप्त का जो शासनकाल था वो 380 में ही हुआ था, बस 380 उसी साल में, मतलब वो एक साल भी नहीं कर पाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो उनका जो 380 से 413 ईस्वी तक चला था। उसके बाद कुमार गुप्त का जो था 413 से 455 तक चला था। उसके बाद स्कंद गुप्त का जो था 455 से 467 तक चला था, ठीक है। अगर मुख्य शासक की बात करते हैं, अगर यहाँ पर पूछ जाता है कि सबसे पहला शासक कौन था, तो श्रीगुप्त था, कब से कब तक, 275 से 300 तक। सबसे आखिरी कौन था, स्कंद गुप्त था, कब से कब तक, 455 से 467 तक, ठीक है। और अगर हम टोटल यहाँ पर बात करते हैं टोटल कितने थे, तो कितने थे, 8 थे, ठीक है, ये देख लीजिए 8 ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 मुख्य शासक इसके माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पतन का जो कारण था वो क्या था, इनके पतन का यानी इनका जो सबसे लास्ट शासक था वो स्कंदगुप्त था, 8वां शासक इनका स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त की मृत्यु 467 ईस्वी में हुई थी, तभी इनका शासनकाल हुआ था। यानी स्कंदगुप्त का जो शासनकाल अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कब से कब तक था, 455 से और 467 तक था, ईस्वी तक था। तो 467 में जब इसकी मृत्यु हो गई, हालांकि गुप्त वंश का अस्तित्व तो इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा, यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। स्कंदगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए, स्कंदगुप्त के बाद भी प्रमुख राजा हुए थे, काफ़ी लोग काफ़ी राजा बने थे, ठीक है। तो राजा कौन कौन से बने थे उनके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। पूर्वगुप्त बने, कुमारगुप्त द्वितीय बने, बुद्धगुप्त बने, नरसिंहगुप्त बालादित्य बने, कुमारगुप्त तृतीय बने, दामोदरगुप्त बने, महासेन गुप्त बने, देवगुप्त बने, माधवगुप्त बने, जितने भी गुप्त थे सभी राजा यहाँ पर राजाओं ने राज किया। लेकिन जो असली माना जाता है, जब इनका शासनकाल खत्म हुआ था यानी इस जो गुप्तकाल का जो शासनकाल था वो कब खत्म हुआ था, वो तो स्कंदगुप्त के बाद ही खत्म हो गया था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि राजस्व के इनके क्या क्या स्रोत थे, तो गुप्तकाल के राजकीय आय के प्रमुख स्रोत कर थे जो निम्नलिखित थे, पहला भाग भोग और प्रणय कर, भाग भोग और प्रणय कर, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। राजा को भूमि को उत्पादन से प्राप्त होने वाला छठा हिस्सा जो था वो भाग कहलाता था। भोग क्या था, संभवतः राजा को हर दिन फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर था, ठीक है, भोग, उसी को भोग कहते थे, चढ़ावा समझ लीजिए। गुप्त काल में ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा था और भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में हुआ है और इसी प्रकार भेंट नामक कर का उल्लेख हर चरित्र में आया कि नहीं, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर इनका जो वाणिज्यिक व्यापार था ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। वैशाली थे, मथुरा, ये सब इन जगहों पर इन्होंने व्यापार के नगर बनाए थे। सामाजिक स्थिति जो थी वो भी परंपरागत चार जातियों में थी। कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था। अगर हम यहाँ पर ब्राह्मण की बात करते हैं तो राजकाज के बारे में मतलब दिशा दिखाना या ये सही है या नहीं सही करना, उचित होगा नहीं उचित होगा, ये चीज़ें बताते थे। क्षत्रिय का काम होता था सिर्फ और सिर्फ युद्ध करना। वैश्य का काम होता था बाहर से विदेशों से आयात निर्यात या फिर समझ लीजिए कि मतलब ठीक है यही सब करना होता था उनका व्यापार करना। ठीक है, शूद्र का काम होता था इन चारों की सेवा, इन तीनों की सेवा करना होता था। धार्मिक स्थिति भी इनमें इनके अंतर्गत भी थी। कौन कौन सी धार्मिक स्थिति थी? यानी गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मण धर्म व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय माना जाता है। ठीक है, और हिंदू धर्म में विकास यात्रा के इस चरण में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, जैसे कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का सामान्य लक्षण बन गई। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया एवं गुप्त काल में ही वैष्णव एवं शैव धर्म के मध्य समन्वय स्थापित हुआ और ईश्वर में भक्ति को महत्व दिया गया। तत्कालीन महत्वपूर्ण संप्रदाय के रूप में वैष्णव व शैव संप्रदाय प्रचलित। ठीक है, तो दो चीज़ें आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया, मौर्य शासकों की सूची और आपका धम्म के सिद्धांत, जो धम्म था मौर्य का धम्म यानी कि इनका धम्म है। उसके बाद मौर्य प्रांतीय शासन भी मैंने आपको बताया, गुप्त काल भी बताया। ठीक है, तो अगर मौर्य के पहले शासक की बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन केस तो क्या बोलोगे आप? है ना, पहले आपसे आपकी जवान पर पहला ही आएगा अगर आपने पढ़ रखा है। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक इनका शासनकाल था? तो 322 से, और इनका शासनकाल जो था तो 298 तक। आखिरी कौन था? प्रदत्त मौर्य था। उनका शासनकाल कब से था? 187 से और 185 से था, 85 तक था। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करते हैं गुप्त काल के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो गुप्त काल में पहला रुक था श्रीगुप्त था और आखिरी इनका स्कंदगुप्त था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के साथ। जो भी आपका थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, वो अगली वीडियो में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।